नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाते हो, क्या उससे कोई रतन या रुद्राक्ष आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो भैया देखो, मामला ऐसा है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी पंडित आज के टाइम में कमर्शलाइज हो गए हैं, उनकी दाढ़ में नोट लग चुके हैं। वो करते क्या है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप किसी पंडित के पास गए, उसने आपसे बोला है कि भैया आपको पन्ना रत्न धारण करना है। आपने पूछा जी कितने वजन का करना है, उसने बोला चार रत्ती का करना है। ठीक है जी, अब यहाँ तक पंडित की रिकमेंडेशन खत्म हो गई, अब आपके ऊपर है आपको चार रत्ती का पन्ना, पांच रत्ती का, छह रत्ती का, मतलब बढ़ते क्रम में आप पहन सकते हो। पंडित ने बोला चार रत्ती, तो चार रत्ती के ऊपर बढ़ते क्रम में आप पन्ना पहन सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको 10,000 का पन्ना पहनना है, 5,000 का पहनना है, 15,000 का पहनना है, 50,000 का पहनना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन कुछ कुछ पंडित यहाँ पे क्या ज्ञान देते हैं कि मुझे एक बार पन्ना लाके दिखा देना, यानी कि जो स्टोन पंडित ने रिकमेंड कर रहा है एक बार आप वो पंडित को दिखा दीजिए, ताकि वो ये बता सके कि वो आपकी बॉडी पे काम करेगा या नहीं करेगा, जो कि टोटल बकवास है। देखिए, पंडित का काम होता है कुंडली को देखना और आपको रिकमेंडेशन बताना कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, जिसको बलवान करने के लिए आपको कौन सा पत्थर धारण करना है या कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। ठीक है, अब पंडित यहाँ पे क्या करता है, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छी दुकान से मान लीजिए 10,000 रुपए का पन्ना लिया, आप चले गए पंडित जी के पास दिखाने, पंडित जी आपसे बोल रहा है अरे यार इसमें तो दाग है, छीटा है, फलाना है, ढिमका है, लाइट कलर है, डार्क कलर है, और आपके दिमाग में जहर डाल दिया। फिर आप क्या करोगे, एक आध दो दुकान से और पन्ना लाके पंडित जी को दिखाओगे, पंडित जी सब में मना कर देंगे। फिर पंडित जी आपको उस दुकान पे बैठेंगे जिस दुकान पे पंडित जी का कमीशन बंधा हुआ है। जी हाँ, बहुत से ऐसी दुकानदार हैं जिनने पंडितों से कमीशन मांग के रखा है 30%, 40%, और कुछ कुछ तो ऐसे वाहियात दुकानदार हैं जिनने 50% तक का कमीशन बांध रखा है। यानी कि अगर 1,00,000 रुपए का पन्ना आप किसी दुकानदार से खरीदते हो और वो दुकान पंडित ने आपको सजेस्ट करी है, तो 1,00,000 में से कुछ कुछ दुकानदार 30,000, कुछ 40 और कुछ 50,000 रुपए तक पंडित को कमीशन देते हैं। आप सोचो, आप जैसे मान लो 1,00,000 रुपए का पन्ना खरीदा, हम बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं जो मार्केट में नॉर्मल चल रहा है कि पंडित को 30%, 40% जाता है। 1,00,000 रुपए पन्ने पे अगर 40% जाता है तो 40,000 तो पंडित के पास गए, तो वो पन्ना हुआ 60,000 रुपए का। उस 60,000 रुपए में से दुकानदार भी कमाई करेगा, तो कुल मिला के आप सामान कितने रुपए का पहन रहे हो, क्योंकि 40,000 तो पंडित को चलेगा। और आपने उस दुकानदार से इसलिए खरीदा क्यों, क्योंकि पंडित जी उस दुकानदार अगर आपको जमीन का पत्थर उठाड़ के भी दे देगा ना, तो पंडित जी आपको हाँ में हाँ भर देंगे। क्यों, क्योंकि पंडित जी का कमीशन उस दुकानदार से बंधा हुआ है। तो भैया, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप पंडित को कुंडली दिखाएं तो उससे पत्थर पूछें और पत्थर का वजन पूछें और वहां से उठ के चले आए। फिर आपके ऊपर है कि आपको किस दुकानदार से खरीदना है। ठीक है, आप गए पंडित के पास, मैं प्रोसेस बताता हूँ, इस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा। आप जाओ पंडित के पास, पंडित से आपने स्टोन पूछा, इस बार मान लीजिए पंडित ने बोला आपको आप नीलम धारण करो, कितने वजन का धारण करना है साहब, 5 रत्ती का धारण करना है। ठीक है, हाथ जोड़िए, पंडित जी की दक्षिणा दीजिए और उठ के आ जाइए। ठीक है, अगर आपका मन हो तो आप धातु पूछ सकते हो, वरना हर दुकानदार आपको बता देगा कि नीलम को आप चांदी में पहन सकते हो या वाइट गोल्ड में पहन सकते हो, वैसे मेजोरिटी लोग चांदी में पहनते हैं, तो हर दुकानदार ये बात जानता है। अब आप उठ के आ गए, अब आपके ऊपर है आपको किस दुकानदार से लेना है। आपको ये वाले दुकानदार अच्छा लग रहा है, वो वाला अच्छा लग रहा है, आप उस दुकानदार से जाके आप जो है नीलम रत्न ले सकते हो, 5 रत्ती या 5 रत्ती से ऊपर का। ठीक है, अब दूसरी चीज का ध्यान रखें, बहुत से लोग बाग आजकल क्या कर रहे हैं, खुद की दुकान के सर्टिफिकेट छाप रहे हैं, खुद की दुकान के सर्टिफिकेट छापते हैं और उसके पीछे MRP डाल देते हैं कि जी ये तो ब्रांड है और ये 10,000 रुपए का पीस है, इसमें मैं आपको 20% ऑफ दे दूंगा, 10% ऑफ दे दूंगा, ऐसी फालतू की बातें आपसे करते हैं। भैया, सर्टिफिकेट के पीछे जो लोग MRP डालते हैं ना, वो MRP कोई तिगड़म लगा के या कोई साइंटिफिक अप्रोच लगा के नहीं तय करी है, वो अपने इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग बात क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने सर्टिफिकेट के पीछे MRP डाल दी और आपको लग रहा है वो पीस 10,000 रुपए का है, तो वो पीस 10,000 रुपए का नहीं है, वो उसने अपने मन से 10,000 रुपए लिख दी, वो 50,000 रुपए लिख दे, और आप लोग सोचते हो ये ब्रांडेड है, सर्टिफाइड है, आप दुनिया भर की चीजें जो है जोड़ने लगते हो आपस में, जो कि गलत है। ठीक है जी, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ पूरी वीडियो को, पंडित से सिर्फ पत्थर पूछिए, पत्थर का वजन पूछिए और आपकी इच्छा हो तो धातु पूछिए और उठ के चले आइए, फिर आपको पंडित को नख दिखाने की जरूरत नहीं है। अभिमंत्रित करने की, पूजन पाठ करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई भी पंडित कर देगा या फिर हर दुकानदार जानता है, वो आपको प्रोसेस बता देगा।
आधे से एक घंटा लगता है अभिमंत्रित करने में, आप घर पे भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको कभी भी सर्टिफिकेट के पीछे जो एमआरपी लिखी रहती है उसके बेसिस पे उस पत्थर की कीमत को जज नहीं करना है। लिखने को तो क्या है, 100 रुपए के पत्थर पे 1000 रुपए एमआरपी कोई भी दुकानदार लिख देगा, तो क्या वो पत्थर 1000 रुपए का हुआ है? तो उस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। बहुत से दुकानदार क्या झूठ बोलते हैं कि जी ये ब्रांडेड है, ये जयपुर का ब्रांड है, ये बेंगलोर का ब्रांड है, ये फलाना ब्रांड है, ढिमका ब्रांड है, सब बेतुकी बातें हैं। जो कमर्शियल बड़े बड़े ब्रांड है उनकी एक अलग बात है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करके आपको बताते हैं। लेकिन जो आजकल छोटे छोटे दुकानदार है वो भी ये सब चीजें करने लगे हैं, अपने नाम का सर्टिफिकेट बनाना, उसके पीछे कुछ भी अंडरस्टैंड सी एमआरपी लिख देना और फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि इस पे 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो उन सब चक्करों में ना पड़े। तीसरी चीज, हमेशा अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो किसी प्राइवेट लैब का लीजिए या फिर गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल लैब का लीजिए। उस लैब का लीजिए जो एमआरपी नहीं लिखती है और जिसको सिर्फ पत्थर के असली या नकली से मतलब है, ठीक है? क्योंकि बहुत से दुकानदार खुद का सर्टिफिकेट छाप रहा है तो वो सर्टिफिकेट का मतलब नहीं है। आपको स्पेसिफिक लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, आज का वीडियो बनाने का एक जो उद्देश्य था वो ये था कि क्या है, डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं कि पंडित जी ने 10,000 की चीज 1,00,000 रुपए की बेच दी। अब 1,00,000 रुपए की पंडित जी ने नहीं बेची, आजकल पंडित इतने स्मार्ट हो गए हैं जो कमर्शियलाइज हो गए हैं। बुरा मत मानिएगा, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 10 में से 6-7 पंडित आज के टाइम में कमर्शियलाइज हो गए हैं, जिनकी दाढ़ में नोट लग चुके हैं, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, तो दुकानदारों से टाइप कर लेते हैं। अच्छा खासा क्लाइंट चाहे तो 10,000 रुपए का पन्ना या नीलम लेके उसका काम हो सकता है, लेकिन नहीं, उसको अपनी बताई हुई दुकान पे भेजेंगे, फिर वो चाहे कूड़ा कचरा कुछ भी दे दे, उसको बोलेंगे हाँ जी ये बहुत बढ़िया है, आप पे यही सूट करेगा, और 1,00,000 रुपए का स्टोन उसको दिलवा देंगे, जिसमें से पंडित 30-40-50% तक का कमीशन अपनी जेब में रखेगा। और फिर आप समझ जाओ कि आप कितने रुपए का स्टोन पहन रहे हो 1,00,000 रुपए देने के बाद। ठीक है जी, तो कोई भी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, किसी दुकानदार को बुरी लगी हो, किसी पंडित को बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत से लोग इस बात से रिलेट करेंगे और एग्री करेंगे कि जो मैंने चीज बताई है वो सही है। थैंक यू।